हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद हम एक निशान 4 इंच पर लगाएंगे, ये निशाना 4.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। फिर हम ऊपर से एक निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर के हिस्से को गोलाई देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर करीब 0.5 इंच पर या 0.75 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और हमने ये जो निशान लगाया है इस पर हम इसको या तो आप इसको सीधा मिला दें इसे, या हल्की सी यहाँ से आप गोलाई देते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से मिला दें। इसके बाद हम ऊपर से करीब 12 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से करीब 0.25 इंच पर पूरे गले के ऊपर निशान लगाएंगे ऊपर के हिस्से में। इस तरह से यहाँ तक ये निशान लगाने के बाद जितनी हमारी यहाँ से चौड़ाई है और जो हमने यहाँ पर ये 12 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ पर भी हम इतनी ही चौड़ाई में एक निशान लगा देंगे बिल्कुल सीधा, और इतनी ही चौड़ाई में हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर हमारी हल्की सी गोलाई है, यहाँ पर भी हम हल्का सा इसको इस तरह से कर देंगे, केवल इतने हिस्से में इस तरह से। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से 0.5 या 0.75 इंच पर पूरे गले पर निशान लगाएंगे नीचे तक। ये निशान हमारे इस तरह से आएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर हम अपनी ऊपर की पट्टी अलग कर लेंगे। देखिए मैंने इस पर यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है, इससे हमें एक फ़ायदा रहता है, हमारी गले की कटिंग तिरछी नहीं होती। तो आप इस तरह से अगर इस पर सिलाई लगा लेंगे तो हमारा गला सफाई से कटेगा। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम बाहर के हिस्से की कटिंग कर लेंगे। देखिए ये हमारा बाहर का हिस्सा है और ये हमारी यहाँ वाली ये बीच की कटिंग है, तो इसको हम बीच में से भी अलग करेंगे। इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेते हैं और बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे नेक इस तरह से आएगा। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और हमारा ये जो नेक का बाहर का हिस्सा है उस कपड़े को पहले हम बीच में से फोल्ड करते हैं, और हमारा जो नेक का ये बाहर का हिस्सा है इसको हम इस तरह से रखते हैं। ये जो बंद हिस्से हैं आपस में, ये इस तरह से पहले हम यहाँ से इनको इस तरह से मिलाएंगे और बिल्कुल सीधा अपने नेक को इस तरह से हम रख कर देखते हैं। और जहाँ पर भी हमारे ये नेक के कॉर्नर आ रहे हैं अंदर की साइड,
हम वहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और इन निशानों के ऊपर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद हमने जो कट लगाए हैं यहाँ पर हम अपने बुकरम के कॉर्नर रखते हुए अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाले नहीं है तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल सीधा रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में एक क्रीज बना लेते हैं और बिल्कुल बीच में हम एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम इसी तरह से बीच में क्रीज बना लेंगे और इस क्रीज के ऊपर निशान लगा लेंगे, यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। देखिए बीच में मैंने सिलाई लगा ली है और बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम पूरे गले पर छोटे छोटे से कट लगाएंगे नीचे तक। हम एक कट यहाँ पर और एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाएंगे और बीच में भी हम कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपने गले को पलट लेते हैं। आप इस तरह से सुई से कॉर्नर निकाल सकते हैं और पलटने के बाद अगर आप इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे नेक की अंदर की साइड ये जो दो पट्टियाँ हैं जो नीचे हमारे नेक में लगेगी उसको हम अलग अलग कपड़े पर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं और हमारा कपड़ा चारों तरफ इस तरह से बचना चाहिए चारों साइड में। और इसके नीचे हम सेम साइज के इस तरह से एक पीस और रखेंगे और ये पीस नीचे रखने के बाद दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर की साइड होंगे और उल्टे हिस्से बाहर की साइड होंगे। हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ये हमारे जहाँ पर ये तिरछी कटिंग है थोड़ी सी उस वाले हिस्से पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से इसके ऊपर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बिल्कुल बराबर में हमें सिलाई लगानी है और दोनों हिस्सों पर हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक बुकरम के बराबर में सिलाई लगा दी है और इसी साइड से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम थोड़ी थोड़ी उसकी कटिंग कर लेंगे इसी शेप में और इसमें हम बीच में जहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई है छोटे छोटे कट लगा देंगे। दोनों पट्टियों पर हमें इसी तरह से करना है। ये कट लगाने के बाद हम इस तरह से अपनी इन पट्टियों को सीधा कर लेते हैं और सीधे करने के बाद आप इनके ऊपर प्रेस कर लें दोनों पट्टियों के ऊपर। अपनी पट्टियों को पलटकर प्रेस करने के बाद हम देखिए इस तरह से अपने कपड़े को फोल्ड करते हैं जहाँ तक हमारी बुकरम है और इस पर हम इस तरह से निशान लगाते हैं।
इस तरह से निशान लगाने के बाद हमें नीचे भी जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ पर इसी तरह से निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद हम देखिए इसको इसके नीचे इस तरह से रखते हैं, बिल्कुल इसी निशान पर ऐसे हम इसको रखेंगे और हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर हम अपनी दूसरी पट्टी को रखेंगे इसी तरह से, इन्हीं निशानों के बिल्कुल नीचे, और इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, ऐसे यहाँ पर उतार देंगे। देखिए जब हम यहाँ पर ये सिलाई लगाएंगे इस पट्टी पर जो हमारा निशान है, तो हम दूसरे वाली पट्टी भी यहाँ पर रख लेंगे बिल्कुल इससे मिलाकर, और इस निशान को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हमें ये पट्टी रखनी है और तब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और हम बिल्कुल इस निशान को इस तरह से बिल्कुल इसके नीचे रखते हुए इधर भी हमें सिलाई लगानी है। इसको थोड़ा सा यहीं पर हम पक्का कर देंगे दोबारा से। इसके बाद हमारे गले की जो ऊपर वाली पट्टी है उसको हम अलग अलग कपड़ों पर इस तरह से बिल्कुल सीधी रखेंगे और ऐसे पेस्ट कर लेंगे। इधर हमारा कपड़ा बचना चाहिए, इधर भी और इधर भी, ऊपर की साइड हमारा कपड़ा बेशक ना बचे यहाँ, और इतने ही कपड़े हमें इनके नीचे रखने हैं एक एक, और दोनों सीधी साइड हमारी अंदर होनी चाहिए कपड़ों की। और इसके बाद हम यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इसी तरह से इसमें यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई भी हमें बुकरम के बिल्कुल बराबर में लगानी है। मैंने दोनों पट्टियों पर यहाँ से लगा के यहाँ तक सिलाई लगा ली है, इसी तरह से इसमें भी यहाँ से इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जिस साइड हमने सिलाई लगाई है उसी शेप में हम उस साइड से इस पट्टी की कटिंग कर देंगे, और इधर से भी हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों की कटिंग हमें ऐसे ही करनी है, और जिधर हमारी सिलाई है उधर हम इस तरह से बीच बीच में छोटे छोटे कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी इन पट्टियों को सीधा कर लेते हैं, और सीधा करने के बाद हम इनके ऊपर प्रेस कर लेंगे, और दोनों पट्टी हमें इसी तरह से सीधी करनी है। और आप चाहें तो यहाँ से ये कॉर्नर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये दोनों पट्टी सीधी करने के बाद हम सेम तरीके से इनके ऊपर भी निशान लगाएंगे। ये पट्टियाँ हमारी इस तरह से लगेंगी, देखिए जो हमने निशान लगाए हैं इस तरह से इन निशानों के ऊपर हम इसको रखते हैं। हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाते हुए हम इस तरह से इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से नीचे हमें एक पट्टी लगानी है, तो आप चाहें तो इस पट्टी को इसके साथ साथ लगा सकते हैं इस सिलाई के, और चाहें तो आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जहाँ तक हमारा ये कट है वहाँ तक तो हमें इसको खुला रखना है, और बाद में हमें यहाँ पर इस पट्टी को लगा के इसको बंद कर देना है। ये पट्टी मैंने यहाँ पर इसमें जोड़ लगाया हुआ है, और इसको इस तरह से मैंने अंदर को बीच में से फोल्ड किया हुआ है। आप इसकी जगह लंबी पट्टी भी ले सकते हैं और उसको इस तरह से फोल्ड करके तब रख सकते हैं। जब हम यहाँ पर आएंगे, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से आपका कपड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है
तो आप हल्का सा इसको अंदर को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और तब इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। देखिए जहाँ तक हमारा वो तिरछा कट है वहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और मैं इसी के साथ इस पट्टी को सिल रही हूँ। यहाँ इसके नीचे मैंने इस पट्टी को रख दिया है। ये दोनों हिस्से हमें आपस में जोड़ने हैं इस पट्टी के जरिए। ये हमारी पट्टी लगी हुई है और दूसरी साइड भी हम इन पट्टियों को आपस में मिलाते हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए जहाँ पर हमारा ये तिरछा कट है यहाँ तक हमारी पट्टी है और ये मैंने निशान लगाए हुए हैं। यहाँ तक ये आपस में पट्टी से जुड़ जाएंगे ये दोनों हिस्से और इसके बाद हम अपनी दूसरी पट्टी को भी इसी निशान के नीचे इस तरह से रख लेंगे और फिर इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर इसको जोड़ देंगे। एक सिलाई हम इस पट्टी के किनारे किनारे पर लगा देंगे दोनों साइड। देखिए ये हमारे गले का फाइनल लुक है और आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इजी और स्टाइलिश हमारा नेक तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैंने ये हाथ से सिंपल डोरी लगाई है, हाथ से मैंने इसको लगाया है और यहाँ पर ये मैंने बटन लगाए हैं। तो आप इसकी जगह मैचिंग के बटन भी लगा सकते हैं और कोई फैंसी बटन भी आप इसकी जगह लगा सकते हैं। और जो पीछे का इसमें हमें गला बनाना है वो सिंपल राउंड नेक बनेगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।